हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे, देखिए, चाइनीज़ भेल पत्ता गोभी। मैंने एक कटोरी भर के ले लिया है ढेर सारा। ये देखिए, ये है सेव, इसे चाइनीज़ भेल बनाते हैं। ये है नमक, ये है नींबू सत्व, जिसको हम डालते हैं। अगर नींबू सत्व आपको नहीं मिलता है तो इसके जगह पे आप नींबू भी डाल सकती हैं निचोड़ के। ये है ब्लैक पेपर, इससे फ्लेवर अच्छा आता है चाइनीज़ खाने में। यह है कॉर्नफ्लोर, ये है लाल मिर्च पाउडर, ये है अदरक लहसुन। ये पूरा अदरक लहसुन हम पेस्ट बना के फिर डालेंगे। और तेल चाहिए, तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है कढ़ाई में, पैन में। अभी हम इसमें सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, हल्का सा सौटे करेंगे इसमें। ये देखिए, इसका कच्चापन दूर हो जाए बस। अभी हम इसमें लाल मिर्च जो दिखाया था आपको, उसमें पानी मिला के पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, अभी हम इसमें जो लाल मिर्च लिए थे ना, उसको पेस्ट पानी डाल के पेस्ट बना लिए। अभी इसको हम डाल देंगे लाल मिर्च को। अगर आपको लाल मिर्च या सूखा वाला मिलता है तो उसको भी आप पानी उबलते हुए पानी में डाल के नरम करके फिर उसको आप पीस के उसको भी यूज कर सकती हैं। अभी हम ये मिर्ची पाउडर ही लिए हैं, मिर्ची पाउडर से भी वही टेस्ट आएगा आपको। अब ये देखिए गाढ़ा है, मतलब थोड़ा इसमें हमको पानी मिलाना पड़ेगा। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर हम पानी में घोल के इसमें डाल देंगे। अब इसमें पानी डाल लेंगे थोड़ा। ये देखिए, इसमें थोड़ा और पानी हम मिला लिए हैं, थोड़ा पतला हो गया है और कॉर्नफ्लोर की वजह से ये गाढ़ा हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। कॉर्नफ्लोर इसीलिए डाला जाता है, थोड़ा गाढ़ा होएगा। लहसुन और अदरक का अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें नमक डाल लेते हैं, टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। मिला लेंगे इसको अच्छे से, हम गाढ़ा होने तक हल्का पका लेंगे। अभी हम इसमें ब्लैक पेपर डाल देते हैं, ये है नींबू सत्व, इसे अच्छा सा खट्टा टेस्ट आएगा। नींबू फूल इसको भी बोलते हैं। ये नहीं मिलता है आपको तो आप नींबू निचोड़ के इसके जगह पे डाल सकती हैं। ये देखिए, अभी इसको हम एक मिनट तक, दो मिनट तक इसको ऐसे पकने देंगे। ये देखिए कितना अच्छा सा ये गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, ये लग रहा है एकदम बाहर का चटनी। इस तरीके के बनाइए चाइनीज़ भेल घर में, ही बहुत ही अच्छा बनेगा। इसको हम दो मिनट तक पका के गाढ़ा कर लेंगे। देखिए उबाल आने लगेगा, जैसे उबाल आएगा वैसे ही गाढ़ा हो जाएगा। तो हम गैस बंद कर लेंगे, हम आपको चाइनीज़ भेल बना के दिखाते हैं। ये देखिए, अभी हम गैस बंद कर लेंगे, इसको हम निकाल लेते हैं चटनी को कटोरी में। ये देखिए, अभी खाली बॉल ले लिए। अभी हम इसमें सबसे पहले ये डाल देंगे, सेव डालेंगे, इसमें हम पत्ता गोभी डालेंगे, पतले पतले एकदम काट लीजिए। पत्ता गोभी बहुत ही अच्छा लगता है इसमें। हम इसमें चटनी डाल लेंगे, चटनी भी आप अपने हिसाब से डालिए जितना आपके बच्चे पसंद करते हैं। हम पहले थोड़ा इसको मिला देंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम चटनी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम और मिला लेते हैं थोड़ी चटनी। अच्छे से मिलाते हैं, फिर एक प्लेट में सर्व करके आपको दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा सा ये रेडी हो गया है। अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप इसको घर में ही बना के खिला सकती हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर का हेल्दी रहता है, हम कितना क्या सामान डालते हैं सब हमको पता होता है। बाहर की चीज़ कब की बनी हुई है, कब से वो लोग रखे रहते हैं, वही चीज़ दे देते हैं बना के। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।
कमेंट करके बताइए आपका चाइनीज भेल कितना अच्छा बना, कैसे बना।